हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, मस्त एकदम। चलो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। और आज ये दोनों लड़कियां पागल हो गई हैं। आज अभी हम आपको दामे और दायरा से मिलाते हैं। सुबह उठते ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया है एक नई जिद। तो क्या जिद है, आज इनसे ही हम पूछते हैं कि इन्होंने क्या जिद लगाई है। न्यू सो गाइस, अभी इनसे ही पूछते हैं कि आज किस चीज की इन्होंने जिद लगाई हुई है। तो दायरा, आपकी क्या जिद है आज? मुझे सारा जोशी से मिलना। और ये दाम्या देखिए हंस रही है और हंसते ही जा रही है। और तो दाम्या जी, आप इतना हंस क्यों रही है? तो गाइस देखिए, इसकी हंसी रुकी नहीं रही है और ये कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। ये थोड़ा शर्मा रही है और कुछ नहीं है। तो दाम्या बताइए, आपकी क्या जिद है? सो गाइस, ये देखिए ये लड़की आपस में कैसे जिद रही है, किसकी चीज के लिए? रिमोट के लिए। और रिमोट पे झगड़ा क्यों हो रहा है इनका? चलो इनसे ही पूछते हैं कि रिमोट पे क्यों झगड़ा कर रही है। तो दायरा, आप झगड़ा क्यों कर रही है अब मुझे रिमोट पे? सारा जोशी देखना ही देखने ही नहीं दे रही। और आज मैंने फ्लाइंग विश का ब्लॉग नहीं देखा, मुझे फ्लाइंग विश का ब्लॉग देखना। तो मुझे तुम सारा दोनों जोशी देखना है। कॉमनली क्यों नहीं देख सकते? आप एक कोई भी एक व्लॉगर का व्लॉग देख सकते हो ना साथ ठीक में है, पहले मिलकर। सारा जोशी देख लेते हैं। नहीं, पहले फ्लाइंग विश नहीं, तो क्या रिमोट चाहिए। देखना? तो गाइस देखिए, रिमोट पे झगड़ा हो रहा है इनका। और किस बात पे झगड़ा हो रहा है? दामिया, आपको कौन सा व्लॉगर सबसे अच्छा लगता है? सौरभ जोशी दोनों, और दायरा को? दोनों अच्छे लगते हैं। पर मुझे सबसे अच्छा सौरभ जोशी लगता है। बस फिर तो सौरभ जोशी वाला आपको अगर मिलना हो तो आप कौन से ब्लॉगर से मिलना चाहेंगे आप? सौरभ जोशी। तो गाइस देखिए, दोनों लड़कियां सौरभ जोशी से मिलना पसंद करेंगी। और इन्होंने आज जीत भी लगा रखी है कि सौरभ जोशी से मिलना है। उठते ही आज इन्होंने एक ड्रामा शुरू कर दिया था कि सौरभ जोशी से मिलना है, सौरभ जोशी से मिलना है। गाइस देखिए, फोन के लिए कैसे झगड़ती हुई, कितनी जबरदस्त फाइट है फोन के लिए, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए। तो गाइस, वी आर स्टडी, सो अभी अभी स्टडी पूरी हुई है। ये रजाई में बैठी है और पापा उस रूम में देख रहे हैं फ्लाइंग बीस्ट। सो अभी मैं सोचा व्लॉग बड़ा नहीं होएगा तो मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ। सो कल हम कहीं जा रहे हैं, वो आपको सरप्राइज मिलेगा। ओके, सो मैंने सेटिंग करने का फैसला लिया था, पर सेटिंग आधी अधूरी है टेबल की। आधी चीज़ें हैं, आधी नहीं है। मैंने सोचा यूट्यूब पे थोड़ी सी वो शॉर्ट्स बना लेते हैं। सो मैं शॉर्ट्स बनाने के बाद मिलती हूँ। ओके बाय। तो गाइस, दायरा देखिए रील बनाती हुई यहाँ पे। और एक तरफ फ्लाइंग फिश चल रहा है और एक तरफ रील चल रही है, तो आप देख सकते हैं। तो दायरा, कौन सी रील बना रहे हैं आज आप? अभी तो आप स्टीम ले रहे थे, आपको फीवर हो रखा था, अब इतनी जल्दी आप रील बनाने लग गए। गाइस देखिए लड़की की एनर्जी देखिए इसको, अभी ठंड लग रही थी और अभी ये रील्स बनाना शुरू कर दिया इसने। और एक तरफ चल रही है एड्स टीवी पे और एक तरफ रील्स। तो आई डोंट नो मेरी आवाज अब तक जा रही है कि नहीं जा रही है, बट यहाँ पे दायरा अपनी रील्स एंजॉय करते हुए और ये कोई अच्छी रील बनाने की कोशिश कर रही है। और एक तरफ फ्लाइंग बीस्ट, एक तरफ रील। तो आप देखिए इस लड़की को, इसके फीवर है और ये फिर भी मान नहीं रही है और ये अपनी रील्स में बिजी है। और वो दूसरे वाली आज डांट खा के दूसरे कमरे में स्टडी कर रही है। सो गाइस, ये दायरा ने अपनी रील बना के अपलोड कर दी है और ये अभी मेरा फोन लेने मुझसे आई है। मेरे फोन में इसका अकाउंट है नहीं है। तो दायरा, क्या करोगे आप मेरे फोन से? आपको पहले रील बनाऊंगी। आप रील बनाओगे मेरे फोन से?
आप रील क्यों कैसे बनाओगे? ओके सो गाइज ये है सुमन अपना काम खत्म करके अभी ये बेड पे आ चुकी है और आज से पूछते हैं कि इन लड़कियों ने आज इतना धमाल मचा रखा था सौरभ जोशी से मिलना है उससे मिलना है तो आपका सबसे फेवरेट व्लॉगर कौन है आप मुझे ये बताइए। मेरा सबसे फेवरेट व्लॉगर XYZ, Crazy XYZ। उसमें ऐसा क्या अच्छा लगता है? बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता है, मुझे उसकी वीडियो सच में बहुत अच्छी लगती है। ऐसा क्या बनाता है? वो ऊटपटांग चीजें करता है जो हमें तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। अच्छी लगती है मुझे तो। रियलिस्टिक तो नहीं लगता ना बट वो तो एक्सपेरिमेंट करता है एक्सपेरिमेंटल चीजें। एक्सपेरिमेंट ही अच्छा लगता है मुझे। एक्सपेरिमेंट अच्छे लगते हैं तो अगर आपको किसी ब्लॉगर से मिलने का मौका मिले तो आप किससे मिलना चाहोगे? उसके लिए तो राजस्थान जाना पड़ेगा हमें। कोई बात नहीं इस बहाने हम घूम लेंगे। ये देखिए गाइस कितनी खतरनाक सोच है इसके पीछे कि राजस्थान घूमने के लिए इसने इतनी दूर वाला ब्लॉगर सर्च किया है कि हाँ हम उस ब्लॉगर से मिलेंगे तो वहाँ घूमने को भी मिलेगा। वहाँ पे बहुत अच्छा है जयपुर उदयपुर बहुत अच्छा है घूमने के लिए तो बहुत मजे आएंगे वहाँ पे। तो भाई देखिए सुमन का तो फेवरेट XYZ क्रेजी ब्लॉगर है और यहाँ पे हम देखिए फ्लाइंग बीस्ट भाई साहब तनिजा साहब को देख रहे हैं और उधर दायरा अभी आपने देखा रील बना रही थी तो यहाँ सुमन से भी हमने इनका पूछा कि इनका फेवरेट ब्लॉगर कौन है तो दायरा जैसे बताया दायरा का है संभावना सेठ इसको सौरभ जोशी सबसे ज्यादा पसंद है इसने थोड़ी देर पहले हमें बताया है। बड़े संभावना सेठ के भी व्लॉग्स काफी देखती है तो चलो गाइस आज हमने इनके इंटरेस्ट पूछा। संभावना सेठ का तो मुझे वही अच्छा लगता है कि वो कॉफी पीती है डेली जाके बाहर। क्या बात है तो मतलब कॉफी पीना सिर्फ पसंद है और कुछ पसंद नहीं है। उसका तो वही अच्छा लगता है ना देखो। चलो तो सुमन कल हमें कहीं बाहर जाना है तो उसके लिए आपकी तैयारियां? फ्री में कॉफी पिलाते हैं एक्चुअली ना। अच्छा तो ये एक सरप्राइज है कल हम कहाँ जा रहे हैं उसको फ्री में भी। कल गाइस हमें जाना है बाहर और कोई फैमिली फंक्शन आ रहा है फैमिली में किसी की शादी आ रही है तो उसके लिए हमें कल एक्चुअली गांव जाना है उसके लिए हम सुबह अर्ली निकलेंगे। और सुमन जी आप रेडी हैं कल जाने के लिए? सबने आपने तैयारी कर ली कल के लिए? नहीं अभी नहीं किया सुबह उठ के मॉर्निंग में करूंगी फटाफट हो जाएगा। सुबह तो धुंध भी हो सकती है तो हम कैसे। और आपको कल पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। चलो गाइस कल हम विलेज मतलब हमारे गांव जाएंगे गांव में आपको गांव का ट्रेडिशन दिखाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। तब तक आज हम तैयारी करते हैं थोड़ा जल्दी निकलते हैं आज का व्लॉग एडिट करते हैं और उसको डालते हैं। तब तक सुमन भी कुछ थोड़ा पैकिंग शेकिंग करती है तो कल निकलेंगे गाँव के लिए। तो अभी दाम्या स्टिल अपनी स्टडी कर रही है और यहाँ फ्लाइंग बीस्ट व्लॉग साथ में चल रहा है। जो अभी एक्चुअली आज हमारा रिमोट में सेल नहीं है इसलिए हम फ्लाइंग बीस्ट की वीडियोस ही देखते हैं। तो गाइस एक ट्रेजडी भी हो गई है कि आज हमारे टीवी के रिमोट में बैटरीज खत्म हो गई है सेल खत्म हो गया है तो हमारे पास अभी कोई बैकअप था नहीं तो जो भी हमारे टीवी पे चल रहा कंटिन्यूशन पे चल रहा है और हम देख रहे हैं तो आज फ्लाइंग बीस्ट कंटिन्यूस चलेगा आज हम सारे एपिसोड देख डालेंगे इसके। तो पता नहीं हमारा ब्लॉग कोई देखते नहीं देखते बट हम लोगों को पूरा सपोर्ट करते हैं उनका वॉच टाइम बढ़ाने में। उनको फुल सपोर्ट है फुल मोटिवेशन है हमारी तरफ से। तो ये दायरा स्टिल अपना शॉर्ट्स को कंटिन्यू करती हुई तो सो ये देखिए आज ये हमसे नाराज है और ये अपना स्टडी कंटिन्यू कर रही है। चलो गाइज अभी सुमन फोन की डिमांड कर रही है इससे पहले कि ये अपना कोई
फोन बड़ा फोन डिमांड में लेके आए, तो आज ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं गाइस, कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एंजॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर।